आज भाषण देने का दिन नहीं है, आज नियुक्ति पत्र बांटने का दिन है, खुशी का दिन है। अभी हम इस कार्यक्रम में आते आते हमारे प्रेस के भाई बोल रहे थे कि आप लोग तो लंबा खींच लकीर खींच दिए। हमने कहा कि अभी लंबा लकीर हुआ कहाँ, अभी तो 252 है, खास करके शिक्षा विभाग में जो नियुक्ति पत्र हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हजारों बटाएगा तो लकीर लोहरदगा से लेकर साहबगंज चल जाएगा, कोई छू नहीं पाएगा। ये लकीर हमारे माननीय मुख्यमंत्री की तरफ करना, और खास करके शिक्षा विभाग में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो देख रेख में हो रहा है बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है अभी जो हमारे स्मार्ट विद्यालय बन रहे हैं वहाँ भी चल जाते हैं देखने के लिए। कितना इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति कितना मजबूत है शिक्षा के प्रति। हम तो कहेंगे कि शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं सभी लोग आज नियुक्ति पत्र लेने ही समय अपना जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को आगे बढ़ाने के लिए हम तो कहेंगे कि यही तय करके निकलना चाहिए कि हम कितना दूरी शिक्षा विभाग को ले जा सकते हैं। आप देख लीजिए कि हमारे निजी विद्यालय में कोई पीओ नहीं है, कोई डीएससी नहीं है, कोई डीओ नहीं है, कोई सेक्रेटरी नहीं है, कोई मंत्रियों नहीं है, लेकिन इस बार आदरणीय हेमंत बाबू के सरकार में मैट्रिक और इंटर में रिजल्ट में बराबरी कर दिए हैं। अगली बार निश्चित तौर पर जो इस सेवा में आ रहे हैं आप लोग का सहयोग भरपूर रहा तो हम उसको पीछे छोड़ देंगे। इसलिए हमने कहा कि ज्यादा नहीं बोलते थे, सारे बात माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि राज्य हम लोग किस तरह विकसित कर रहे हैं और करेंगे। इन्हीं चंद बातों में अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।